मेरे ऊपर 3 बार अटैक हो चुका है, मैं भी जैसे वो एक लंकेश मारी गई ना, कभी भी मारी जा सकती हूँ, लेकिन मैंने मेरे मिस्टर से कह दिया है, मैंने अपनी जिंदगी के 35 साल तुम्हें दिए, घर दिया, परिवार दिए, बच्चे दिए, रेलवे में नौकरी करती थी, मैंने अपनी रेलवे की नौकरी को छोड़ करके समाज के बीच में निकल गई। आज की तारीख में मेरी 35,000 सैलरी थी, लेकिन जो मेरे को खाने को देता मैं उसके घर में सूखी रोटी खा लेती, लेकिन इस समाज का मैं अंग हूं। मैंने मेरे मिस्टर से कहा कि अगर घर में रहूंगी और मरूंगी तो मरीज कहलाऊंगी, लेकिन समाज के लिए काम करते हुए मरूंगी तो शहीद कहलाऊंगी। आज समाज के लिए काम करने का, समाज को ये अधिकार वंचित समाज को जागरूक करने का मैं काम करती हूं। अभी आपने देखा होगा आदिवासियों ने, हमारा आदिवासी समाज ने रावण दहन के पुतले का विरोध किया, एक भी सफोला बाहर निकला, देखा आपने, चुटैया वाला निकला बाहर, नहीं निकला। रावण का दहन क्यों, जब रावण के दहन के लिए जब पूरे भारत में आवेदन लग गए तो एक भी सांप बाहर नहीं निकला कि नहीं रावण का दहन क्यों नहीं करने दोगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रावण के दहन पर अगर हमने प्रतिबंध लगा, मतलब उसको खोलने की बात करी, तो मैं भी कमजोर नहीं हूं, मेरा सवाल पहले से ही मैंने तैयार करके रखे, मैंने सभी संगठनों को लिख करके दे दिया कि अगर आपके ऊपर कोई डबल FIR करता है कि रावण के दहन होना चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले उससे पूछना कि अगर रावण का दहन एक स्त्री के हरण के लिए किया जाता है तो सबसे पहला अदालत में जजों के सामने, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कहना कि इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं। राजा पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ऋषि पारासर ने केवट की बेटी सत्यवती को भगा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चंद्र ने किया, ये मैं नहीं कह रही हूं, उनके धर्मशास्त्र कह रहे जो उनके बाप दादो ने लिखे। तो वन मंत्री चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती का अपहरण किया, बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा करी, उसका दहन क्यों नहीं। राजा नरक की रानियों के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती विवाह किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए ना। कृष्ण ने स्वयं की बहन सुभद्रा का अपहरण किया, उसका भी दहन होना चाहिए। कृष्ण, अब आप सोचते होंगे कृष्ण और राधा का संबंध क्या है, राधा कृष्ण की मामी है, उनके धर्म के अनुसार अगर कोई भांजा मामी के साथ रंग रलियां मनाएगा तो क्या कोई छोड़ेगा, उसका भी दहन होना चाहिए। इसी तरह भीष्म पितामह, महाभारत में भीष्म पिता ने अंबा, अंबे, अंबालिका का अपहरण किया, तीन लड़कियों का अपहरण किया, अंबे, अंबा, अंबालिका, उसका भी दहन करो। रावण का दहन करेंगे क्योंकि वो अनार था, वो हमारा मूल निवासी राजा था, उसको कहते हैं ब्राह्मण है, वाल्मीकि जो को कहते हैं ब्राह्मण है। आज हमारा जो भंगी समाज है, वाल्मीकि समाज है, वो सोचता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, अगर रामायण लिखी तो सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 58 में यह क्यों लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, क्यों लिखा, ये लिखा है। ब्राह्मण जितने भी हमारे देश में आक्रांता आए, सबने भाषा के नाम पर बेवकूफ बनाया, आर्यों ने संस्कृत के नाम पर, आर आए, हुण आए, शक आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब तो हमें बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था, इसमें दूध की नदियां बहती थीं, इस दोस्त देश को लूटने वाले यही है। चार वर्ण बनाए, चार धाम बनाए, चार यज्ञ बनाए, यज्ञ कौन से थे मालूम है आपको, यज्ञों के नाम पर नरबलि दी जाती थी, यज्ञों के नाम पर पशु बलि दी जाती थी, यज्ञों के नाम पर गौ की बलि दी जाती थी, वो उन्होंने नरबलि, गौबलि, अश्वबलि, राम ने किया ना अश्वमेघ यज्ञ, सुना है ना अश्वमेघ यज्ञ, नरबलि, पशुबलि, अश्वबलि और कन्याबलि,
ये बलियां दी जाती थी, बलि के नाम पर मांस भक्षण करना और सोमरस पीना। ऋग्वेद में ब्रह्मा कहता है, ऋग्वेद में ब्रह्मा कहता है, हे ब्रह्माणी, तो मुझे गौ का मांस इतना खिलाती हो कि मैं खा खा के सांड जैसा हो गया। ऋग्वेद में लिखा, मैंने नहीं लिखा, ऋग्वेद पढ़ लो, चैलेंज करना है तो पढ़ लो उठा करके। धर्मशास्त्रों को आस्था के नाम पर मत पढ़ो, परखने के नाम पर पढ़ो। अगर वाकई में समाज के शुभ चिंतक हो तो वैज्ञानिक तौर पर उसको समझना सीखो। हनुमान ने सूरज निकल लिया, 54 पे तो यहाँ आदमी मरने लगते हैं, 2.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, कैसे निकल लिया? सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, कैसे निकल लिया? कपोल कथाएं लिख लिख करके इस मासूम बेबस मजबूर समाज को गुमराह करने का काम किया। साथियों,